Hello everyone, welcome to last minute revision with RSM, and this is the video for practical question. So in the previous lecture we have covered the basic journal entries of the chapter foreign currency, which was as per accounting standard 11, and we have seen all the journal entries related to export part. So in this video we are going to solve a practical question which will help you to clear more about the topic and the export type of questions which are usually expected in the paper. So first of all, we are going to see the question, we will understand the question, then we will be solving the practical question, and I will be also giving you two practice questions for solving. So ye jo PDF upload ho jayega, wo PDF aap check kar sakte ho. उसमें दो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है. तो जैसे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, वैसे ही सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करें, सो दैट जो जर्नल एंट्रीज का बेसिक्स है वो आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए, और ये जो बेसिक्स है वो आपको आगे काफी हेल्प करेंगे. तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी. Dinesh Industries invoice goods to West Germany worth US dollar 1 lakh on 10th March 2020. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये पढ़ना है कि किसने किसको goods export किए. यहाँ पे directly word export नहीं है, Dinesh Industries invoice goods की बात कर रहा है. इनवॉइस का मतलब होता है, इनवॉइस गुड्स मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स. टू की बात कर रहा है, टू वेस्ट जर्मनी, किसे एक्सपोर्ट किए, वेस्ट जर्मनी को एक्सपोर्ट किए. तो वेस्ट जर्मनी जो है ये हमारे पार्टी का नाम है, पार्टीज अकाउंट जो हम कहते हैं, दैट इज दी वेस्ट जर्मनी. कितने डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए, 1 लाख डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए 10th March 2020, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, $1 इज इक्वल टू 41. तो हमारा बेस रेट जो है, हमारा बेस रेट क्या बनेगा, बेस रेट बनेगा हमारा 41 रुपीज, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे. देन द इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, तो हमें पहला इंस्टॉलमेंट 20 मार्च को मिल रहा है, 40,000 का रेट बन गया 42 रुपीज. दूसरा इंस्टॉलमेंट 29th मार्च को मिल रहा है, 35,000 का रेट बन गया 41 रुपीज. तीसरा इंस्टॉलमेंट देखो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज 15th अप्रैल. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट 31st मार्च के बाद जाएगा, ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी रिवाइज किया है, अगर आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट 31st मार्च के बाद आएगा तो दैट इज योर आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट. आफ्टर 31st मार्च दिस इंस्टॉलमेंट वी आर गोइंग टू रिसीव. बट 31st मार्च को क्या होता है, 31st मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. तो वेन एवर वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी नीड टू डू वैल्यूएशन, हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा. और वैल्यूएशन कौन से पॉइंट्स का होता है, वैल्यूएशन उसी पॉइंट का होता है जो 31st मार्च के बाद हमारे पेंडिंग इंस्टॉलमेंट रहेंगे, तो वो कर लेंगे धीरे धीरे. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना, एग्जैक्टली कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव डिस्कस नाउ, लेट अस मूव टूवर्ड्स द जर्नल एंट्रीज, कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज, हाउ टू डील विद द अमाउंट, सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, ताकि आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाओ प्रैक्टिकल इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो शुरू करते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन which we are going to solve now. हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था. तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमारा बेस रेट. तो हमारा बेस रेट क्या था, हमारा बेस रेट था 41 रुपीज. ठीक है, हमारा बेस रेट क्या है, हमारा बेस रेट है 41. चलो अभी फर्स्ट एंट्री करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री वी आर गोइंग टू पास नाउ. चलो फर्स्ट एंट्री करेंगे. क्या है फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारा होता है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल. ठीक है, पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था वेस्ट जर्मनी. क्या होगा एंट्री, वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू
एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, ध्यान से चेक करना कैसे आएगी अमाउंट की। देखो अमाउंट कैसे आएगी, कितने डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए, 1 लाख के, क्या रेट में एक्सपोर्ट किए, 41 में। तो आपको अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, लेट अस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट। 1 लाख इंटू 41 करोगे तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय योर रेट इज 41, कितनी अमाउंट आएगी, अमाउंट विल 41 लाख्स। तो 41 लाख्स, 41 लाख्स इज योर अमाउंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सपोर्टेड गुड्स, बीइंग एक्सपोर्टेड गुड्स। तो ये था हमारा एंट्री नंबर वन, एंट्री नंबर वन हो चुका है। एंट्री नंबर सेकेंड जो है दैट इज योर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 20 मार्च को हमारा इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है, $40,000 रेट बन गया 42। पहले यहाँ पे बेस रेट स्पेसिफाई करता हूँ, बेस रेट हमारा 41 था, कि एक्सचेंज का रेट कितना बना, 42 बना। रेट क्या हुआ है, रेट इंक्रीज हुआ है, मतलब 41 से हमने एक्सपोर्ट किया, रेट बन गया 42, रेट बढ़ गया। याद रखना है आपको सिंपल चीज, एक्सपोर्ट में जब भी रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्ट में अगर रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होगा तो FEF अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड। ध्यान से आपको याद रखना है, व्हेनेवर देयर इज प्रॉफिट FEF अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, व्हेनेवर देयर इज लॉस FEF अकाउंट क्या होगा, FEF अकाउंट डेबिट हो जाए। चलो एंट्री नंबर सेकेंड करते हैं, डेट भी डालेंगे। पहला डेट जो था क्या था, पहला डेट हमारा मार्च 10। दूसरा डेट क्या है इंस्टॉलमेंट का, मार्च 20। एंट्री क्या होगा, तो बताया था मैंने हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट वेस्ट जर्मनी अकाउंट FEF अकाउंट। FEF क्यों आया, क्योंकि FEF क्रेडिट हुआ है। अभी मल्टीप्लिक करेंगे ध्यान से, देखो ये 40,000 है, ये रेट है 42, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो दैट कम्स टू 3,80,000, ठीक है। वेस्ट जर्मनी में कितना आएगा, वेस्ट जर्मनी में आपको मल्टीप्लाई करना है बेस रेट के साथ, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 41, 40,000 को अगर 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू इज 16,40,000। बाकी डिफरेंस कितना बचेगा, बाकी डिफरेंस बचेगा 40,000। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव, इंस्टॉलमेंट रिसीव आपका एंट्री नंबर सेकेंड, ये भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर थर्ड में, रेट बन गया 35,000 और रेट बन गया 41, मार्च 29th, यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ मार्च 29th। बेस रेट क्या था हमारा, बेस रेट था हमारा 41, 29 मार्च का रेट भी बन गया 41, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नो डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है प्रॉफिट लॉस एंट्री आएगा, क्या बनेगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट वेस्ट जर्मनी अकाउंट। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 41, 35,000 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो द वैल्यू विल बी 14 लाख
35,000, आएगी वैल्यू 14,35,000। सिंपल कैलकुलेशन है। एंट्री नंबर सेकंड भी हमारा हो चुका है, इंस्टॉलमेंट नंबर टू भी हमारा हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से अगर हम अगला पॉइंट देखें तो 15 अप्रैल का है, तो अभी हमें क्या करना है, नरेशन इसका सेम आएगा बीइंग इंस्टॉलमेंट, अभी मैं उसका नरेशन। अब हमारा मार्च 31 का डेट है, 31 मार्च को वैल्यूएशन एंट्री करनी है और 31 मार्च को क्लोजिंग किए, ध्यान से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बेस रेट देखते हैं। बेस रेट क्या था हमारा, 41। 31 मार्च का रेट देखो, यहाँ पे लास्ट लाइन में 31 मार्च का रेट दिया है 40। 31 मार्च को रेट कितना बना, 45। क्या दिख रहा है आपको, रेट बढ़ा। तो मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट में रेट बढ़ता है तो क्या होता है, FEF हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। बैंक नहीं लिखना है, बिकॉज वैल्यूएशन के एंट्री में कभी भी बैंक नहीं आएगा। एंट्री क्या बनेगा फिर, एंट्री बनेगा वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट FEF अकाउंट। हाउ टू कैलकुलेट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 15 अप्रैल का लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 25,000 है। तो अभी 15 का 25,000 है, कैलकुलेशन क्या करना है, 41 और 45 का डिफरेंस हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय पेंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना है, 5,000। तो आपको ध्यान रखना कि वैल्यूएशन थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25,000 को अप्रैल का पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है, 4 रुपया डिफरेंस है रेट का, यहाँ पे कैलकुलेट है 25,000 × 1 करेंगे, 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1,00,000, या आपका वैल्यू बन, ठीक है। बीइंग वैल्यूएशन मेड, वी हैव डन द वैल्यूएशन ऑल्सो नाउ, वैल्यूएशन भी हमारा हो चुका है। वैल्यूएशन होने के बाद क्या होता है, 31 मार्च को, 31 मार्च को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना। अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको FEF अकाउंट क्रेडिट दिखेगा वो प्लस करना है, और जहाँ पे भी आपको FEF अकाउंट डेबिट दिखेगा वो माइनस करना है। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेर एवर FEF अकाउंट इज क्रेडिटेड प्लस करो, वेर एवर FEF अकाउंट इज डेबिटेड माइनस करो। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 40,000, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कितना है, 40,000, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट कितना है, 1,00,000, तो 1,00,000 और 40 कितना बन गया, 1,40,000, 1,40,000 ये आपका क्रेडिट है, ठीक। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखना, क्रेडिट मतलब क्या, पॉजिटिव, और डेबिट मतलब क्या, नेगेटिव। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव रहा तो आपको एंट्री बताता हूँ, ध्यान से एंट्री सुनना, कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया। एंट्री बनेगा आपका FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थ्योरी में सीखा था, इफ यू रिमेंबर, कि FEF का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, FEF का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 1,40,000 कैसे आया, यहाँ पे 40,000 क्रेडिट है, यहाँ पे 1,00,000 क्रेडिट है, तो 1,00,000 और 40 दैट कम्स 1,40,000 क्रेडिट है, इसीलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एंट्री बनेगा FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ दिस आंसर इज नेगेटिव, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF। सिर्फ उल्टा एंट्री करना है, रिवर्स एंट्री करना है अगर आपके क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस आया तो। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 31 मार्च हो चुका है, 31 मार्च के बाद एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको अप्रैल का इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, अभी अप्रैल का इंस्टॉलमेंट $25,000, रेट बन गया 44 रुपीज़, ठीक है। अभी सबसे पहले चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मिस्टेक होती है वो आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या मिस्टेक होती है, सबसे पहले हमने बेस रेट लिया था 41, लेकिन ध्यान रखना है 31 मार्च के बाद जो
तो वैल्यूएशन बन जाएगा, तो ये बेस रेट नहीं होगा। बेस रेट जो है आपका 31 मार्च का जो रेट है, 31 मार्च का कितना रेट था, 31 मार्च का हमारा रेट था 45, तो हमारा बेस रेट बन जाएगा। दैट मीन्स 31 मार्च होने के बाद सबसे पहले आपको बेस रेट चेंज करना है, तो मैंने पहले बेस रेट चेंज कर लिया। अब हम 31 मार्च को देखते हैं, तो 31 मार्च में कितना रेट है, 31 मार्च का रेट देखा तो बेस रेट बन गया अभी 45। अभी अप्रैल का रेट देखो, अप्रैल का रेट कितना है, 44 है, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिक्रीज का मतलब हमको FEF हमेशा डेबिट करना है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो FEF क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। अप्रैल का डेट डालता हूँ, अप्रैल 3, वही हमारा बैंक वाला एंट्री करना है, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर और एक डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट, कितना है हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट, 25,000। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 44 का रेट था, 5,000 इन 44 करोगे वैल्यू आ जाएगी 11 लाख, ठीक है। बेस रेट क्या था, अभी बेस रेट क्या था, 45 था, यहाँ पे बेस रेट से मल्टीप्लाई, 25,000 इंटू 44 से मल्टीप्लाई, 45 से करना है, 44 नहीं 45 से करना है, यहाँ पे आ जाएगा 11,25,000। डिफरेंस कितना बनेगा, डिफरेंस आएगा आपका 20, एंड दैट इज योर FEF का अकाउंट। तो दीज आर द जनरल एंट्रीज। अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे 2021 में, 2021 31 मार्च, ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे FEF 25,000 है, इसके पहले तो क्लोज कर दिया था, यहाँ पे 25,000 है, ये क्या है, डेबिट दिख रहा है यहाँ पे, तो डेबिट का मतलब क्या बताया था मैंने, नेगेटिव, नेगेटिव में एंट्री क्या बताया था, उल्टा एंट्री कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट FEF अकाउंट, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, ये रूल है, यहाँ पे सिर्फ डेबिट है 25,000 तो नेगेटिव, सेम वैल्यू वी हैव टू राइट 5,000 एंड 20, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से वीडियो को देखें, बार बार वीडियो को देखें, अगर कोई भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन होता है, कौन सा अमाउंट अगर कैसे आया है, आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, वो दो क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखें, ताकि आपको भी पता चलेगी किस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चंस है एक्सपोर्ट के सॉल्व करने। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो, नेक्स्ट टाइम वील मीट, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर।